Hello friends, my name is Kunal and I'm from MedEasy, which is India's best institute for GATE, ESE and PSUs. आज आई एम UPSC जहाँ पे ESE 2024 का एग्जाम है, तो आइए कुछ बच्चों से चल के उनके फीडबैक लेते हैं एंड जानते हैं उनका आज का एग्जाम कैसा रहा। सर पेपर पिछली बार से बोल सकते हैं कि उससे हल्का सा ईजी लेवल था और पिछले साल से बस हल्का सा ईजी था। तो टोटल कितने क्वेश्चन से सेवेंटी प्लस किया है, काउंट नहीं किया 70 प्लस। आपके अकॉर्डिंग पेपर स्ट्रेट फॉरवर्ड था या लॉजिकल? ओवरऑल अगर पेपर की डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिससे आपको लगता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे? कम्युनिकेशन से आए थे, एडवांस कम्युनिकेशन प्लस। एनालॉग से ठीक ठाक है, एनालॉग डिजिटल, उसके बाद कम्युनिकेशन और प्लस EDC और EMT से कम क्वेश्चन थे। एक्सपेक्टेड थे कि थोड़ा अच्छे आएंगे लेकिन उतने आए नहीं क्वेश्चन। तो आपको क्या लगता है इस साल की कट ऑफ पिछले साल से ज्यादा जाएगी या कम जाएगी? तो पिछले साल तो कम ही गई थी, इस बार भी उतनी ही रहेगी। पिछले साल तो काफी कम गया था, तो इस बार तो उससे ज्यादा। तो कोई ऐसे पर्टिकुलर सजेशन कि आप अपने जूनियर्स को बताना चाहें जो अगले साल आएंगे कि उनको इन इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब वो एग्जामिनेशन हॉल में? पहले तो मतलब कि थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ेगा, जिसके टाइम का थोड़ा सा उसमें कम पड़ जाता है, क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं तो उससे टाइम कम पड़ता है। ऑलरेडी अगर आप प्लान होंगे तो आपको पता होगा इतना टाइम मेरे को इस सेक्शन में लगना है। आपके अकॉर्डिंग ESE का सिलेबस वास्ट है, सबको पता है, उसके हिसाब से तो अगर ESE अटेम्प्ट लेना है तो आपको सारा कुछ पढ़ना होगा, तो उसके हिसाब से आप टाइम मैनेजमेंट सीख लीजिए तो बेटर होगा। पेपर बहुत इजी था और थर्टिकल पेपर था, न्यूमेरिकल्स बहुत कम थे, 5-7 क्वेश्चन थे और सोयल मैकेनिक्स और RCC और टनल इंजन से क्वेश्चन का भी। क्वेश्चन पेपर मेरे हिसाब से तो मॉडरेट ही आया था, पर थ्योरेटिकल थोड़ा ज़्यादा आया था। सोम के क्वेश्चन, FM, RCC के क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से था? सोम के क्वेश्चन ठीक थे, बट कंपेयर टू गेट अगर हम देखेंगे तो न्यूमेरिकल बहुत ही कम थे और थ्योरी क्वेश्चन काफ़ी पूछा हुआ। अच्छा, स्टील स्ट्रक्चर हो गया, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, सोयल मैकेनिक्स हो गया, इनके क्वेश्चन के लेवल किस तरीके से थे? इसके क्वेश्चन के लेवल मॉडरेट थे, इजी टू मॉडरेट बोलेंगे हम, और अगर थ्योरी अच्छे से कवर्ड है तो अच्छा पेपर जाना चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज ये है कि असम्पशन रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं इस बार, और जो पेपर था वो थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा कवर अप किया गया है और कोडल प्रोविजन थे इसमें ज़्यादा, और इसमें कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल काफ़ी कम थे, न्यूमेरिकल वैल्यूज काफ़ी कम पूछी गई थी, टनल्स के क्वेश्चंस थे जो अनएक्सपेक्टेड टॉपिक रहता है, बाकी हाईवेज वगैरह थे, इजी क्वेश्चंस थे, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। सोम के क्वेश्चंस भी थे, सोम के भी अच्छे क्वेश्चंस बने थे, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चंस नहीं थे। एज कम्पेयर टू GS पोर्शन देखा जाए तो टेक्निकल काफ़ी ईजी साइड में। इस बार स्पेशल इंजीनियरिंग नहीं था, केवल ज़्यादातर मैथ फॉलोइंग क्वेश्चंस थे और मोस्टली जो पार्ट था वो सोम का था और BMC था। अच्छा, RCC स्टील स्ट्रक्चर मैंने RCC के क्वेश्चन थे जो कि कुछ 2-3 क्वेश्चन थे वो IS कोड क्वेश्चन थे, बाकी वो न्यूमेरिकल थे। अच्छा, और FM के क्वेश्चन? हाँ, मोस्टली और टेक्निकल में कोई सब्जेक्ट था वो जो कि 3rd नंबर या 4th नंबर होगा, तो वो FM के ही क्वेश्चन ज़्यादातर थे, वो भी फ्लू मशीनरी और 1-2 क्वेश्चन वो अपने टेक्निकल के थे। अच्छा, आपको पेपर मॉडरेट ही लगा? हाँ, पेपर का मॉडरेट था, पिछले साल से बहुत मॉडरेट था। द पेपर वॉज एट मॉडरेट लेवल, सम क्वेश्चंस वर वेरी इजी, डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड, एंड टॉकिंग अबाउट GS, सो GS वॉज ऑल्सो ईजी, द कॉन्सेप्ट वॉज ईजी इनफ, इट वॉज इजी ईजी पेपर एक्चुअली एट मॉडरेट लेवल टू सॉल्व द पेपर, एंड इफ यू हैड डन इनफ प्रैक्टिस फॉर द पेपर यू विल डेफिनेटली स्कोर अबव 150 आई गेस। आज का पेपर कंपैरेटिवली, पहला पेपर जो GS पेपर था वो कंपैरेटिवली काफ़ी टफ था, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो टेक्निकल पेपर था वो मतलब कंपैरेटिवली इजी कह सकते हैं उसे। बाकी नेटवर्क से क्वेश्चन इजी है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी इजी है, और कंट्रोल सिस्टम से भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और थियोरेटिकल जो सेकंड पेपर था वो काफ़ी थियोरेटिकल था, लेकिन पहला पेपर जो था वो कंपैरेटिवली टफ लगा काफ़ी बच्चों को, इवन पर्सनली मुझे भी। कंपैरिजन टू GS लाइक फर्स्ट पेपर इज मच टफर देन सेकेंड पेपर, टेक्निकल इज गुड इजी
एंड कंपैरिजन टू लास्ट ईयर दिस टाइम टेक्निकल इज इजी. एग्जाम तो अच्छा ही था, मतलब मॉडरेट था तो, और डिजिटल और इसके ओवरऑल आपके हिसाब से पेपर कैसा था, डिफिकल्टी लेवल की अगर बात करें, इजी मॉडरेट या डिफिकल्ट? पेपर इजी टू मॉडरेट था, डिजिटल और माइक्रोसॉफ्ट से ज़्यादा क्वेश्चन. ओके, सो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे या लॉजिकल थे? थोड़े मतलब बेसिक ज़्यादा टच कर रहे थे और लॉजिकल भी थे. ओके, तो आपको क्या लगता है इस साल की कट ऑफ इस साल से ज़्यादा जाएगी या कम जाएगी? मेरे हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा जाना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बेसिक है. तो आपको लगता है ऐसा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट था जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे, लाइक उसकी सबसे ज़्यादा वेटेज थी? डिजिटल और माइक्रोसॉफ्ट. ओके, और अगर मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूं कि आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट साल जो आपके जूनियर्स आएंगे, आप उन्हें क्या चीज़ों का ध्यान रखने के लिए बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? पहले तो प्रॉपर मतलब क्लासेस के साथ साथ सब डीवीपीयू भी लगाना चाहिए जूनियर्स को, क्योंकि टाइम कम निकल जाता, पता नहीं चलता, और इसी के लिए कुछ ज़्यादा ही सब्जेक्ट होते हैं तो मतलब पहले ही समझना. तो आपने अपनी तैयारी कैसे करी, कहीं से कोचिंग ली थी? जी मैंने मेडिसिन से कोचिंग ली. एंड आपने? मेडिसिन. ओके, तो दोनों ने आपने मेडिसिन से कोचिंग लिया. आपको ऐसे कोई चीज़ें जो वहाँ की अच्छी लगी हो, एनवायरनमेंट या फिर फैकल्टीज या नोट्स या फैसिलिटीज? मेडिकल तो सभी टीचर अच्छे हैं, मैं पर्टिकुलर रोहित त्रिपाठी सर से और सुरेंद्र सर से बहुत अच्छा है. मेडिसिन के नोट्स का सफिशियंट है. तो आप लोगों के डाउट्स वगैरह सब क्लियर हुए थे? हाँ, डाउट्स तो क्लियर हुए. ओके.